लेकिन क्या वजह है कि इस सब के बावजूद आप लोग 2018 में आपके मुताबिक आप लोग जीरो लोड शेडिंग करके गए? जीरो लोड शेडिंग करके पिछले तीन साढ़े तीन चार साल कम से कम इस्लामाबाद में हम लोग बैठे हैं, या जिन शहरों में, लाहौर की मैं बात बता सकती हूँ सर, आप लोगों का नून लिखा गढ़ भी लाहौर है, इस कदर लोड शेडिंग 10-10, 12-12, 14-15 घंटों की नहीं थी पिछले साढ़े तीन चार साल में, अगर मुआहदे ना हुए होते या अगर फ्यूल या कोयला या वगैरह वगैरह चीजें टाइम पे ना मंग पाई गई होती तो फिर तो पिछले साढ़े तीन साल लोड शेडिंग का बुरा हाल होता। वो प्लांट हम लगा कर गए थे ना, आपने लेकिन आप लोग साढ़े तीन साल के मुआहदे तो कोयला वो प्लांट्स ऑर्डर करते रहे हैं ना आपने, अगले साढ़े तीन साल के आप लोग मुआहदे करके चले गए नहीं, नहीं ऑर्डर करके गए थे। देखिए प्लांट बनाए हमने ना जी, ठीक है ना, जिसको उन्होंने कहा कि बड़े महंगे बना दिए और ये ज्यादा बन गए, चल रहे थे ना, लोड शेडिंग नहीं थी पिछले साढ़े तीन साल, चल रहे थे, प्लांट खुद ऑर्डर करते हैं, आपने पेमेंट ही नहीं की। आज 1500 अरब रुपया गैस सेक्टर में वाजिबुल अदा है पिछली हुकूमत का, सर्कुलर डेट 1050 अरब से 2500 अरब पे चला गया है बिजली का जी। आपने किसी को पैसे ही नहीं दिए, वो ऑर्डर कर रहे कि उनके पास पैसे ही नहीं है। ये जो इस मुल्क के साथ हुआ है ये कोई मामूली चीज नहीं है। लेकिन इसके बावजूद पिछले साढ़े तीन साल में लोड शेडिंग का वो बुरा हाल नहीं था जो 11 अप्रैल के बाद से हुआ है? आप कर्जे लेते रहे ना, आप लोगों से कर्जे लेते रहे, पेमेंट्स भी नहीं हुई, आप कह रहे हैं मुआहदे भी नहीं हुए, आप कह रहे हैं कोयला भी नहीं आया, ईंधन नहीं आया, बट उसके बावजूद लाइट थी मुल्क में। नहीं, वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे उस वक्त, अवेलेबल था मार्केट में, आप ऑर्डर करते थे, कोई हाइट नहीं थी, प्राइसेस बढ़ी हुई नहीं थी। ये कोविड के दो साल जो गुजरे हैं इसमें तो वाफर अवेलेबिलिटी थी, सस्ती तरीन बिजली बनती थी, आज महंगी तरीन। लेकिन लेकिन आप लोग सर 2022 तक के मुआहदे तो नहीं करके गए होंगे ना, 2022 तक का फ्यूल तो इमरान खान ने खरीदा होता है ना, आप मुआहदे वक्त के साथ करते रहे, आप कोल ऑर्डर करते, कोल क्यों ऑर्डर नहीं हुआ? तीनों जो कोल प्लांट है वो कोल खुद खरीदते हैं, ठीक, आपने उनको पैसे नहीं दिए, उनको पैसे नहीं थे, जब हम आए हमने उनको पैसे देकर कोल ऑर्डर किया, अभी कोल आना शुरू हुआ है, अब लोड अभी आना शुरू हो गया। अब लोड शेडिंग का हल क्या है सर? आप लोगों ने कहा था 16 जून से लोड शेडिंग का हल, मैं आपको बड़ी वादे, 150 मिलियन डॉलर